हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। पढ़ाने से पहले हम आपको एक कहानी सुना रहे हैं। कहानी के माध्यम से ही आप समझिएगा कि हम आज क्या पढ़ाने वाले हैं। फादर ने अपने बेटे से कहा, बेटा पेड़ के नीचे जाओ और वहाँ से 10 मीटर की दूरी पर एक ट्रेजर रखा हुआ है, उसको लेकर के आओ। बेटा बस इतना सुन करके दौड़ता है, पेड़ के पास जाता है। पिताजी बोले, रुको भाई, कुछ और इन्फॉर्मेशन ले लो। बेटा कुछ सुनता नहीं है, दौड़ते दौड़ते पेड़ के पास जाता है और पेड़ को सेंटर मानते हुए एक 10 मीटर का सर्किल ड्रॉ करता है और सर्कमफेरेंस पर चारों तरफ घूमता है और देखता है कि कुछ भी नहीं है। फिर ऊपर देखता है, वो सर्कमफेरेंस पर ही खड़ा होकर के चारों तरफ ऊपर देखता है, भारी पेड़ था कि कहीं कुछ है क्या, ऊपर भी कुछ नहीं दिखाई देता है। फिर दौड़ के आता है, बोलता है, पिताजी कुछ तो है नहीं, आप बोले थे कि ट्रेजर है, भारी खजाना रखा हुआ है, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। पिताजी बोले, बेटा पूरी बात सुन लिया करो ना, बात को पूरी तरह से सुनो। वो जो खजाना है जमीन के नीचे 3 फीट पर है। और सुनो, और सुनने के लिए जैसे ही बोला बेटा कि और सुनो, बाप जैसे ही बोला कि और कुछ सुनो, ये भी नहीं सुनता है बेटा। फिर दौड़ करके जा करके उस सर्कमफेरेंस के चारों तरफ 3 फीट की खुदाई कर देता है। एंड द ट्रेजर वाज फाउंड। लेकिन काफ़ी समय लग गया, 4-5 घंटे समय लग गया। बोला कि पिताजी बोलते हैं कि इतना समय कैसे लग गया बेटा? तो बोला कि चारों तरफ 3 फीट खुदाई करने में इतना तो समय लगेगा ही। तो पिताजी बोले कि नहीं, इतनी ज़रूरत क्या थी, बात तो पूरी तरह से सुनते नहीं हो। वो पेड़ से ठीक पूरब साइड में रखा हुआ था, वो जो ट्रेजर है पेड़ से 10 मीटर की दूरी पर 3 फीट नीचे वो ट्रेजर रखा हुआ था, वहाँ से आपको लेना था। तो आप यहाँ पर आप इस कंक्लूजन पर पहुँच सकते हैं। कुछ और भी हम एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आपको एयरपोर्ट जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन की दूरी मान लीजिए कि आपके रेजिडेंस जहाँ है वहाँ से 20 किलोमीटर पर है। आपको केवल यही इन्फॉर्मेशन है कि 20 किलोमीटर के दूरी पर है और आप दौड़ लगा देते हैं, दौड़ना शुरू करते हैं, तो आप तो स्टेशन पर पहुंच नहीं पाएंगे। जब तक ये 20 किलोमीटर के अलावा आपको कुछ न कहा जाए, जैसे कि पहले वाले केस में ये बोला गया था कि पेड़ से 10 मीटर की दूरी पर 3 फीट नीचे पूरब साइड में ट्रेजर रखा हुआ है। टारगेट पर पहुंचने के लिए इतना इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए। क्या क्या चाहिए था भाई? मैग्नीट्यूड चाहिए था 10 मीटर, फिर एक और मैग्नीट्यूड चाहिए था, कुछ भी हो, मान लीजिए कि 3 फीट, हम 3 फीट बोल रहे हैं, और फिर नीचे पूरब साइड, ये सब चीज़ आपको, ये जब इन्फॉर्मेशन जब रहेगी तब आप डायरेक्टली टारगेट के पास पहुंचेंगे। सिमिलरली आपको यदि एयरपोर्ट पर जाना है, एयरपोर्ट में 20 किलोमीटर की दूरी पर है, डायरेक्ट आप दौड़ना शुरू कर देंगे 20 किलोमीटर, तो आप एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुँच पाएंगे। एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको डायरेक्शन देना चाहिए, या पूरब में जाना है, कहाँ लेफ्ट घूमना है, कहाँ राइट घूमना है, कितने किलोमीटर जाएंगे तो लेफ्ट घूमेंगे, कितने किलोमीटर जाएंगे तो राइट घूमेंगे। यदि पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाए तभी आप उस पर्टिकुलर प्लेस पर, उस पर्टिकुलर टारगेट पर पहुँच जाएंगे। सिमिलरली यदि आपको पढ़ा रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, कितना परिश्रम कर रहे हैं, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, बट डायरेक्शन देना जरूरी है। डायरेक्शन कौन देता है बच्चों? डायरेक्शन टीचर देते हैं। तो केवल यूनिलैटरल नहीं हो सकता, केवल स्टूडेंट मेहनत करता रहे और उसको डायरेक्शन पता ना हो कि किस डायरेक्शन में मेहनत करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या आप पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे, क्या आप खरीदेंगे, क्या नहीं खरीदेंगे, ये जानना जरूरी है टारगेट पर पहुँचने के लिए। ओके, तो आप तो इस, अब इतना कहने के बाद आप इस कंक्लूजन पर पहुंच गए होंगे कि कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। तो सच फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज वेक्टर्स। तो आज बच्चों हम आपको वेक्टर्स पढ़ाने वाले हैं। तो वेक्टर्स जब हम पढ़ाए, तो वेक्टर्स पढ़ाने से पहले हमने बोला फिजिकल क्वांटिटीज। ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? The quantities which can be measured
विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली आर इनडायरेक्टली, डायरेक्टली आर इनडायरेक्टली, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली आर इनडायरेक्टली आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी. द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर डायरेक्टली आर इनडायरेक्टली आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. ये फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह के होते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह के होते हैं. एक को हम बोलते हैं वेक्टर्स, एक को बोलते हैं वेक्टर्स और एक को बोलते हैं स्केलर्स. एक को बोलेंगे हम यहां पर स्केलर बोल दिए. स्केलर्स क्या है, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए विच आर कैरेक्टराइज्ड ओनली बाय मैग्नीट्यूड, विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड ओनली, विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय मैग्नीट्यूड ओनली, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है. जैसे मान लीजिए हम आपको बोलें कि बेटा वो बोरा है, बोरा में से 5 kg आप चीनी लेके आ जाइए, शुगर 5 kg लेके चले आइए, तो आप इसमें तो कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, हमने आपको बोरा बता दिया, बोरा से आप 5 kg जो भी शुगर या राइस जो भी लेके आना है आप लेके आ सकते हैं. तो सच क्वांटिटीज आर नोन एज स्केलर्स क्वांटिटीज. जैसे आपका एग्जाम्पल, जैसे हमने आपको ये एग्जाम्पल दिया मास, जैसे हमने बताया ना, तो आप पहले तो लिख लीजिए स्केलर्स. स्केलर्स क्या है, स्केलर्स द फिजिकल क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय मैग्नीट्यूड ओनली, विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय मैग्नीट्यूड ओनली, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल, मास हो गया. और मान लीजिए आपको बोला जाए कि आप स्कूल जाते हैं और स्कूल से आते हैं, तो इसको आने और जाने में कितना किलोमीटर आप ट्रेवल किए, तो 5 kilometers जाने में आपको लगता है, 5 kilometers आने में लगता है, तो आप बोलेंगे कि 10 kilometers. तो ये डिस्टेंस, इसमें भी कहीं कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी. फिर बोला गया आपको स्कूल जाने और आपको स्कूल से आने में कितना लीटर पेट्रोल खर्च हुआ, तब भी आपको कोई जरूरत नहीं है डायरेक्शन जानने का. वॉल्यूम, लीटर का मतलब ये तो वॉल्यूम हो गया. फिर ये बोला गया कि स्कूल गए और स्कूल आए, आपकी गाड़ी है उसकी स्पीड क्या रही, किस स्पीड से गए और किस स्पीड से आए, मतलब स्कूल जाने और आने में दोनों मिला के स्पीड क्या रहा, यहाँ भी कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं थी. तो ये सब जो क्वांटिटीज हैं इसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज. ओके, आप नोट कर सकते हैं इसको. अब हम आते हैं वेक्टर्स. वेक्टर्स किसको बोलते हैं, वेक्टर्स द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, जिसमें मैग्नीट्यूड की भी जरूरत होती है और डायरेक्शन की भी जरूरत होती है. इसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं हम वेक्टर्स. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट और क्लास नाइन्थ में आप पढ़े हुए हैं, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. तो यदि कोई आपका इनिशियल पॉइंट है और कोई फाइनल पॉइंट है, मान लीजिए इधर से इधर आप इधर घूमते हुए कई पॉइंट से गए, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में गए, इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. तो ये डिस्प्लेसमेंट जानने के लिए यहाँ से यहाँ तक का मैग्नीट्यूड जरूरी है और प्लस वो इनिशियल डायरेक्शन से कितने एंगल पर है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड की भी जरूरत होगी और डायरेक्शन की भी जरूरत होगी. वेलोसिटी,
डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ईटीसी, ये आपको क्लास नाइन्थ में आप पढ़े हुए हैं। ये सब चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इन सब चीज़ों को हम वेक्टर्स बोलते हैं। अब नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखो बच्चों, जैसे हमने केस बताया है आपको, कोई पेड़ था, पेड़ से 10 मीटर के डिस्टेंस पर जाना था, ईस्ट की ओर जाना था, फिर नीचे जाना था, तब आपको ट्रेजर मिला। तो यहाँ पर वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको 10 मीटर जानना जरूरी है, ईस्ट जानना जरूरी है। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है। तो मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, कोई हम एक लाइन ले लेते हैं, ये लाइन का जो लेंथ होता है, द लेंथ ऑफ द लाइन सो इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। कोई भी हमने लेंथ ले लिया, कोई भी हमने लाइन ड्रॉ किया, तो आप लिखेंगे द लेंथ ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर वेक्टर एंड एंड द एरो रिप्रेजेंट्स रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए बच्चों। तो मैग्नीट्यूड हम कैसे डिफाइन करते हैं, एक लाइन लेते हैं, ये इसका जो लेंथ है ये इसको मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमको फोर्स चाहिए, 10 न्यूटन का फोर्स, तो 10 न्यूटन के फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक न्यूटन को हम 1 सेंटीमीटर मान ले, ये यहाँ पर एक स्केल लेना पड़ता है। मान लीजिए कि लेट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन, ये हमको एज्यूम करना होगा। कुछ भी आप ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 न्यूटन भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ये चूज करना। बट ये मेंशन कर देना होता है कि हम कितना स्केल हम क्या चूज किए हुए हैं। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन, तो आपको 10 न्यूटन का फोर्स चाहिए, तो हम यहाँ पर 10 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दस सेंटीमीटर की लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, तो ये जो 10 सेंटीमीटर का लाइन है ये मैग्नीट्यूड बता दिया। अब केवल मैग्नीट्यूड से तो पता चलेगा नहीं, हमको यहाँ पर डायरेक्शन चाहिए, तो इस लाइन पर हम एक एरो लगा देते हैं, दिस एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो ये क्या हुआ, ये जो वेक्टर हुआ, ये वेक्टर रिप्रेजेंट किया 10 न्यूटन का फोर्स एलॉन्ग ईस्ट। इसका मतलब इस वेक्टर को हम लिखेंगे 10 न्यूटन द फोर्स ऑफ द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एलोंग ईस्ट। ये जो लाइन हुआ, ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया, ये किसको रिप्रेजेंट किया, द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एलोंग ईस्ट, इसको रिप्रेजेंट करता है। और देखो, कुछ कन्वेंशनल डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। वेक्टर्स आप पढ़ रहे हैं तो कुछ कन्वेंशनल डायरेक्शन पता होना चाहिए। वो कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या है, देखो बच्चों, ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन को हम ईस्ट बोलेंगे, इसको हम वेस्ट बोलेंगे, इसको हम नॉर्थ बोलेंगे, और इसको हम साउथ बोलेंगे। ये ध्यान में रखिएगा, जो भी हम फिगर ड्रॉ करेंगे, इस डायरेक्शन को ईस्ट बोलेंगे, इस डायरेक्शन नॉर्थ बोलेंगे, इधर वेस्ट बोलेंगे। और यदि नॉर्थ ईस्ट कह रहा है, मान लीजिए आपको नॉर्थ ईस्ट कह दिया, इसका मतलब
ये यहां से हम ड्रॉ कर रहे हैं 45 डिग्री पर, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, इसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट। अब कोई नॉर्थ वेस्ट कह रहा है तो इसको इधर से हम ड्रॉ करेंगे, कोई साउथ वेस्ट कह रहा है इसको इधर से हम ड्रॉ करेंगे, कोई ईस्ट वेस्ट कह रहा है तो इसको हम इधर से ड्रॉ करेंगे। ये 45 डिग्री का होता है, ये एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री एंगल हो गया। तो ये कन्वेंशनल डायरेक्शंस हैं। ओके, हमने रिप्रेजेंटेशन आपको बता दिया कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर्स को। अब देखो बच्चों, नाउ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स कितने तरह के होते हैं। देखिए वेक्टर्स कई तरह के होते हैं, बट जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता रहा हूं, जो कि हम यहां पर अप्लाई करेंगे। तो हम बोलते हैं पहला हम जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर, या जिस जीरो वेक्टर को हम नल वेक्टर भी बोलते हैं, नल वेक्टर। नल वेक्टर का क्या होता है भाई, द वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज जीरो, द वेक्टर विच, द विच मैग्नीट्यूड, द वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज जीरो, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है दैट इज नोन एज जीरो वेक्टर। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है उसका, उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर बोलेंगे। आप इसका एग्जांपल पूछ सकते हैं कि सर बताइए कौन सा जीरो वेक्टर मैग्नीट्यूड ही नहीं है, तो उसमें उसको हम कैसे वेक्टर मानेंगे और फिर उसका डायरेक्शन का क्या मतलब है, जब मैग्नीट्यूड ही नहीं है तो उसमें डायरेक्शन का क्या मतलब है। तो देखो बच्चों, हम आपका इसको एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए कोई बॉडी रखा हुआ है 10 मीटर के हाइट पर रखा हुआ है, वो स्थिर है, वो स्थिर है, इसका मतलब उसका स्पीड जीरो है वहां पर, लेकिन जैसे ही हम छोड़ेंगे वो सीधा डाउनवर्ड मूव करेगा। मैग्नीट्यूड, स्पीड का मैग्नीट्यूड तो वहां जीरो हुआ, लेकिन डायरेक्शन है ये नहीं बोल सकते हैं कि इसका डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, जैसे ही उस ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे वो ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आएगा, इसका मतलब उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जीरो है लेकिन डायरेक्शन है, डायरेक्शन इज टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स। सिमिलरली ट्रेन आपको खड़ी है प्लेटफॉर्म पर, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, उसका स्पीड का मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो है, बट डायरेक्शन है उसका, ये आपको पता चलेगा कि वो ट्रेन किस डायरेक्शन में जाने वाली है, वो ट्रेन किस डायरेक्शन में जाने वाली है ये आपको मालूम हो जाएगा। तो ऐसे वेक्टर्स को हम जीरो वेक्टर्स बोलते हैं। जीरो वेक्टर को समझना बहुत जरूरी है। सिमिलरली देखो बच्चों, यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर द वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, द वेक्टर, द वेक्टर विच विच मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिटी है। अब मैग्नीट्यूड यूनिटी कहने का क्या मतलब हुआ, देखो बच्चों मान लीजिए कि हमारे पास 10 न्यूटन का फोर्स था, 10 फोर्स ऑफ 10 न्यूटन ईस्ट, ये एग्जांपल हम लिए थे 10 न्यूटन ईस्ट, इसमें इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये जो फोर्स है, फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं ऊपर जो एरो बना देते हैं इसी को हम बोलते हैं ये फोर्स, ये फोर्स क्या है बच्चों, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन ईस्ट। यहां पर देखो ये 10 न्यूटन तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया, और ये ईस्ट क्या हो गया, ईस्ट क्या हो गया, ईस्ट इसका डायरेक्शन हो गया। तो ये मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 है, 10 न्यूटन है। तो इसमें यदि वेक्टर के, इसमें यदि हम 10 से डिवाइड कर दें, 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये फोर्स कितना हो गया, ये जो फोर्स हो गया, ये जो फोर्स हुआ इस वेक्टर, इस फोर्स को हम यूनिट वेक्टर कहेंगे और इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैप लगा देंगे ऊपर, इसको हम कैप बोलते हैं, वेक्टर पर जो कैप हम लगा दिए वो रिप्रेजेंट कर दिया कि इसकी, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। यहाँ पर ये देख सकते हैं 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो ये फोर्स ऑफ 1 न्यूटन हो गया ईस्ट। अब यहां पर देखिए ये जो वेक्टर आया इसमें इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ, 1 न्यूटन हो गया, इसमें इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 1 न्यूटन हो गया। और ये 1 न्यूटन कैसे हम फाइंड आउट किए, जो वेक्टर 10 न्यूटन था, जो 10 न्यूटन ईस्ट की ओर वेक्टर था उसके मैग्नीट्यूड से हमने डिवाइड कर दिया। तो कोई भी वेक्टर है यदि उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देते हैं तो हमको यूनिट वेक्टर प्राप्त होता है। ओके,
ये आप लिख लेंगे जो भी चीज़ हम लिखवा रहे हैं, दिस इज जस्ट लाइक नोट्स। ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल नोट्स है, जो लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पर आप भी लिखिए। तो कोई भी वेक्टर है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम, मान लीजिए वेक्टर ए है या वेक्टर एफ है, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कोई वेक्टर एफ, उसमें उसका मैग्नीट्यूड, देखो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है। ये जो दो लाइन आप ड्रॉ किए हुए हैं, बार इसको बोलते हैं, दोनों बार के अंदर जो वेक्टर रखते हैं, दैट इज, ये इसका रिप्रेजेंट कर दिया मैग्नीट्यूड। अब देखो, अब द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एंड एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, द यूनिट वेक्टर्स, द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सेस आर रिप्रेजेंटेड बाई, देखो इसको आई बोलते हैं, आई कैप, इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, जे वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, के दैट इज जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, रेस्पेक्टिवली इसको हम लिख सकते हैं आई जे के रेस्पेक्टिवली। तो कोई भी वेक्टर्स है, इसका मतलब ये देखिए, एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको हम आई से लिखेंगे, वाई डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको जे से लिखते हैं, और जो जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है उसको हम के से लिखते हैं। तो दीज आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड, एंड दीज आई जे के आर ऑर्थोगोनल, इट मीन्स दीज आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आपको यूनिट वेक्टर्स हमने बता दिया। नाउ इक्वल वेक्टर्स आप लिखिए, थर्ड इक्वल वेक्टर्स, द वेक्टर्स व्हिच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम, दोनों वेक्टर जिसका कि मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो ऐसे वेक्टर्स को ही हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो द वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड and the same directions are called equal vectors. जैसे ये वेक्टर है, ये वेक्टर ए, दूसरा देखिए दोनों का लेंथ क्या है, दोनों का लेंथ सेम है और दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इसमें हम क्या होगा, ये वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों क्या हुआ, सेम हो गया। नाउ निगेटिव वेक्टर्स किसको बोलेंगे बच्चों? निगेटिव वेक्टर्स द वेक्टर्स विच मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज अपोजिट, द वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन इज कॉल्ड निगेटिव वेक्टर। जैसे बच्चों वेक्टर ए आपको दिया हुआ है, वेक्टर ए दिया हुआ है और दूसरा वेक्टर हम दे दिए बी, ए और बी का मैग्नीट्यूड देखो सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो आप बोलेंगे द वेक्टर बी इज निगेटिव ऑफ वेक्टर ए या वेक्टर ए इज निगेटिव ऑफ वेक्टर बी। तो आप इसको ये लिख सकते हैं वेक्टर ए इज निगेटिव ऑफ वेक्टर बी, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो ये रहा, और भी वेक्टर्स हैं, बहुत तरह के वेक्टर्स होते हैं, लेकिन ये वेक्टर्स इतना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हम आगे पढ़ाएंगे तो जरूरत होगी।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।